हाय गाइज, मेरा नाम अलीकान है। मेरे यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज बेड के बारे में, जो राउंडिंग में नीचे जो राउंडिंग होता है बेड, वो कैसे बनाते हैं। तो आप पहले एक बार थंबनेल में फ़ोटो देख लीजिए, तो उस हिसाब से हम बनाएंगे गाइज। तो आप देख लीजिए वैसा का वैसा हम बेड तैयार करेंगे। तो उनका साइज़ क्या है, मेजरमेंट क्या है, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा साइज़ और मेजरमेंट के बारे में गाइज। तो अभी मैं करता हूँ बैक कैमरा गाइज। गाइज अभी मैं ड्राइंग तैयार करूंगा बेड का, तो आप देख लीजिए। अभी नॉर्मल ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। नीचे यहाँ से अपना राउंडिंग रहेगा, नीचे से यहाँ से, तो ये जो मेजरमेंट यहाँ से अपना ऊपर इस साइड एक ढक्कन रखेंगे ऊपर होगा, और इधर से टोली रखेंगे इधर से गाइज। तो ये पट्टे का जो चौड़ाई है ये 13 इंच है, और लंबाई यहाँ से यहाँ तक 6 फिट है, और यहाँ से राउंडिंग 1 फुट एक्स्ट्रा है। तो गाइज आपको जो 13 इंच का है, तो 13 इंच का आगे राउंडिंग निकलेगा, तो आपको ये 6 फिट है, तो 6 फिट और 13 इंच और ले लेना आपको गाइज, जितना भी आपका साइज होगा उस हिसाब से आप मेजरमेंट ले लेना, आपका देख लेना। इसको हम लंबा लाएंगे ये 7 फिट 1 इंच, 7 फिट 1 इंच लेंगे गाइज। और ये ऊपर का, जैसे कि ये ऊपर का पट्टा है, ये इसको हम लाएंगे 5 फुट, और ये 7 फुट 1 इंच, और ये अपना चौड़ा क्या 13 इंच का, आपका पट्टा जो 12 इंच का होगा तो यहाँ पे 7 फुट लेना गाइस, और अपना 1 इंच बड़ा इसी हिसाब से 7 फुट 1 इंच लिया गाइस। ये नीचे से राउंडिंग निकलेगी, ये एक्स्ट्रा होगा गाइस, यहाँ जो ये पट्टा है बीच में लगाना पड़ेगा आपको, ये 5 फिट का, तो ये पट्टा यहाँ से यहाँ 5 फिट का होना चाहिए गाइस। तो वह मैं आपको बताऊँगा उस हिसाब से, आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं प्रोसेस, ये बीच वाला मैंने पट्टा डबल किया था, आप डबल भी कर सकते हैं, सिंगल भी रख सकते, इसमें कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से हम टोली बनाएंगे, तो एक अंदर का ये पट्टा लगाना पड़ेगा, और ये पट्टा भी लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आप लेमिनेट करोगे तो नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ऊपर का ढक्कन बनाएंगे तो ये इसका अंदर का लेमिनेट होना ज़रूरी है। तो मैंने देखो गाइज ये पट्टे कटिंग कर दिए हैं, देख सकते हैं गाइज। तो हम देख रहे हैं अभी नीचे का जो राउंडिंग है वो कैसे निकालते हैं, उस राउंडिंग के बारे में बताएंगे। तो गाइज आप देख लीजिए, हमने यहाँ से मार्किंग लगाया है, यहाँ से मेजरमेंट लेते हैं वहाँ से, और यहाँ तक देखो गाइज हमारा 6 फुट यहाँ पे आता है, देख लीजिए गाइज ये अपना 6 फिट इधर आ गया। उधर एक अपना 1.25 इंच का पट्टा आएगा, तो 6 ये 1.25 इंच माइनस कर दिया, तो यहाँ गाइज देख 1.5 इंच माइनस करने के बाद में अपने एक मार्किंग लगाया, ये देखो 71 बचा, इसमें आपने मार्किंग लगा दिया, ये हमने मार्किंग कर दिया। ये मार्किंग लगाने के बाद में आपको एक ऐसा पट्टी लेना है गाइस, इसमें क्या करना है, ये 12 इंच के ऊपर कील मार देना इधर से। ओ भाई आप देख रहे हैं इधर से, ये हमने 12 इंच का कील मारा है, क्योंकि हम 13 इंच के लगाएंगे तो गोला, क्योंकि यहाँ पे कील अटकेगा नहीं, तो इसी वजह से हमने 12 इंच का मारा। तो हमको ये राउंडिंग निकालना है गाइस। तो गाइस हम राउंडिंग कैसे निकालते हैं वो बताएंगे आपको। तो एक कील को इधर फिक्स कर देना है, जैसे कि ये है, इसको इधर फिक्स कर देना गाइस 1 इंच गाइज। देखो आपने, मैंने इधर से भी छोड़ा, नीचे से 12 इंच का सेंटर लिया, तभी 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से, 1 इंच यहाँ से, तो अभी यहाँ पे अपना कील लग जाएगा, जैसे कि ये लग रहा है, अब देख लग गया, अभी अपना कील बराबर आ रहा है, इसको फिक्स कर देना, जैसे कि फिक्स हो गया, अभी इस पर ये कील बाहर निकल गया, ये राउंडिंग हो जाएगा।
जैसे कि ये मार्किंग लग रहा है। गाइस ये अपना राउंडिंग हो गया नीचे का, ये 6 फुट से 1 फुट एक्स्ट्रा है, 1 फुट 1 इंच, अभी 7 फुट 1 इंच होगा। यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लेंगे, ये पूरा राउंडिंग यहाँ से अपना 6 फुट तक हो गया और यहाँ से ये राउंडिंग निकला तो 1 फुट 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया राउंडिंग। तो अभी ये हम रुक्सा मशीन से कटिंग कर देंगे, ये मार्किंग जैसे कि हमने ये कटिंग किया, ये देखो वैसा के वैसा, इस पर लैमिनेट नहीं किया हुआ, उस पर लैमिनेट किया हुआ, तो इसको हम कटिंग कर रहे गाइस। देख लीजिए इस मशीन की मदद से अभी गाला कटिंग करेंगे, जो ये राउंडिंग है ये नीचे का कटिंग करेंगे, ये आप देख रहे हैं। ये गाइस अपना गला कटिंग हो गया, देख लीजिए ये राउंडिंग हो गया अपना एकदम परफेक्ट तैयार राउंडिंग, देख सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत होगा तो पैम्पर से घसाई कर देना इस तरीके से हो गए। अभी हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ते कैसे है वो आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो के अंदर आगे। गाइस आपको यहाँ से 6 फुट के अंदर अंदर लेना है गाइस, ये पट्टा जो अंदर वाला लगा दीजिए, तो ये 6 फुट के अंदर अंदर लगेंगे, तो यहाँ पे 6 फुट से मार्किंग कर देंगे आपको, अपना ये 6 फुट हो गया। गाइस जो ये मार्किंग लगाया हुआ है, जो ये 6 फुट से है, क्योंकि हमारा गादी 5x6 का है, इसी वजह से नीचे वाला पट्टा ऊपर से 6 फुट पे लगाया हुआ है, जो 6 फुट के अंदर अंदर है, बाहर नहीं। गाइस आप भी ऐसा लगाइए। गाइस आपने मार्किंग लगाने के बाद में वो 2 चौक लगा देनी है, खिला लगाना है, तो आप 17 नंबर या 19 नंबर खिला मार के उसके बाद में वो जो मार्किंग लगाए ऊपर से नीचे 6 फुट 6 फुट के अंदर लगाना है, तो अपना गादी के हिसाब से बेड को तैयार करना, जितना गादी आएगा उस हिसाब से आपको बेड आपको थोड़ा लंबा तैयार करना। नीचे से प्रोसेस यही रहेगा, जो इतना इससे लंबा नहीं हो पाएगा, तो ये अभी 2 खिल लगा के उसमें बीच वाला जो पट्टा है नीचे वाला वो लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम ट्रॉली वाला लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये जो बनके खोखा तैयार हो गया है, अभी इसमें एक बीच में जो पट्टा लगाना है वो लगाना बाकी है, वो अभी कटिंग कर रहे हैं।
लेकिन वो कटिंग करने के बाद में ये बीच वाला लग जाएगा गाइस। और इसके बाद में आपको मैं बता दें नज़दीक लेके जाके, और जो बीच में पट्टा लगेगा, जो मैंने वो पट्टा लगाया वो इधर से ये बारों बार लगाया 5 फिट, और वो अंदर अंदर लगे तो आप उस हिसाब से 1.5 इंच कम करके लगा देना, और बीच में एक सेंटर में वाटिके लगाना है वो हम लगा देंगे। और उसके बाद में जो इधर का गाइस सरमाए का नहीं किया हुआ, लेमिनेट नहीं प्रेस किया है इसी वजह से, क्योंकि इस साइड ट्रॉली आएगा तो ट्रॉली आने वाला जो उस साइड लेमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। और कहीं कहीं तो प्राइमर भी लगा देते हैं, प्राइमर करवा देते हैं अंदर अंदर। तो हमने जो इधर जो ऊपर से ढक्कन आएगा जो जिस साइड उस साइड में हमने ये से जहाँ ढक्कन आएगा उधर उधर हमने लेमिनेट कर दिया। और ये नीचे का आपको राउंडिंग में बताऊँगा। जैसे जैसे हमारा गाय इस बेड के ऊपर काम होता जाएगा आपको इस वीडियो के अंदर बताता जाएंगे कैसे कैसे हम काम करते हैं। आप भी मेरा वीडियो देख के आप बेड बनाएंगे तो आपको किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। उस वीडियो को देखकर आसानी तरीके से ये राउंडिंग वाले पलंग बना सकते हैं, उसमें ट्रॉली भी ले सकते हैं, उसमें ढक्कन भी ले सकते हैं, और नीचे से एकदम राउंडिंग रहेगा और बराबर आपको प्रोसेस बताएंगे गाइस। गाइज आपने देखा इस पट्टे के अंदर जो हाफ सेक निकाला है, जो इसके अंदर कोने का पट्टा आएगा, क्योंकि एक साइड लेमिनेट किया हुआ है जो खिले अंदर नहीं मार सकते, इसी वजह से उस साइड जो पट्टा आएगा ट्रॉली वाले उस हिसाब से वो जो हाफ सेक लगा दिया। तो ट्रॉली की जो साइज़ है हमने वो बीच में जो उस मेजरमेंट से मैं आपको पूरा मेजरमेंट लेके बताऊँगा कितना रखा है, तो उस हिसाब से हमने गला कटिंग किया, 56 इंच हमने रखा है। मेजरमेंट जो ट्रॉली का साइज रखा है वो आपको इस जो दो खांचे मारे हुए इसके बीच में जो भी मेजरमेंट आएगा वो आपने ट्रॉली का रखा है मेजरमेंट, ये 56 इंच रखा है गाइस आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा ही है 56 इंच। और इधर जो ये ऊपर रखा हमने साइड बॉक्स का है, ये हमने 1 फुट रखा है 12 इंची, तो आप देख लेना 12 इंची के बाद में ये गाला कटिंग होगा। ये हमने इधर से कटिंग ऊपर से कटर चला दिया गाइस, और नीचे से ऐसे खांचा निकालना है बस, ये ट्रॉली का खांचा निकालना है, बीच में एक इधर एक पट्टा डालना है, एक खांचा दिया हुआ इसमें एक पट्टा आएगा और गाना बन गया गाइस। अभी आप देख रहे हैं जो आपको अभी तो समझ में आ रहा है, ये जो ये इधर का हिस्सा बना है, जो ये ट्रॉली का हिस्सा है, जो ये पट्टा लगाया है ये अंदर, इधर जो अब मैंने पहले बताया था आपको खोचा निकाल के ये इसको अंदर, क्योंकि इधर से लेमिनेट किया तो कील लगेगा दिखेगा, इसमें अपना ऊपर से ढक्कन खुलेगा और इधर कवर हो जाएगा, कुछ दिखने वाला नहीं है। तो अंदर अंदर का जो आपको अच्छा दिख रहा है ये गाला, उधर से अभी गाला कटिंग नहीं हुआ है, वहाँ से ट्रॉली निकलेगा और अंदर वापस आएगा, और ये ट्रॉली का मेजरमेंट है, ये अंदर अंदर का मेजरमेंट है 56 इंच है, और आगे से 1 फुट छोटा हुआ है जो 12 इंची छोटा हुआ, 12 इंची के बाद में 12 इंच के बाद में 56 इंच का ये बीच का जो ट्रॉली का गला है
और जो बीच में जो 56 इंच के बाद में जितना पीछे बचता है वो रखा हुआ है, जितना भी आपका बचे तो इस हिसाब से आप बनाएंगे। तो इसके बाद में हम इधर का जो पट्टा इसके ऊपर जो पीछे का राउंडिंग घुमाएंगे, अभी फ्लेक्सिबल घुमाएंगे, सब इस वीडियो के अंदर ही पूरा आपको बताएंगे। ये साइड में जो पट्टे हटी घुमाएंगे, ऊपर ढक्कन बनाएंगे, ट्रॉली बनाएंगे, सब इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अभी सिर्फ खोखा बन के तैयार हुआ है गाइस, आप देख सकते हैं। गाइस आप देख रहे हैं जो नीचे का हमने राउंडिंग है जो इसमें बोर्ड के अंदर हमने जारी निकाल निकाल के, देखो इसके अंदर हमने कटर से जारी निकाल निकाल के इसको राउंडिंग किया। जैसे कि इसको ये अभी बैंड हो रहा है ना, इससे ऐसे किया तो हमने देख खुद नीचे से राउंडिंग लगा लिया। अभी नीचे इसमें बैंक लगाना बाकी है, अभी बैंक लगाएंगे। और ये जो हमने जरी निकाल निकाल के इसको राउंडिंग किया, तो आप भी ऐसा बोर्ड है तो आप लगा सकते हैं। वैसे इसमें इस बोर्ड के ऊपर भी आप फ्लेक्सिबल घुमा सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड घूमेगा तो थोड़ा मजबूत रहेगा, लेकिन फ्लेक्सिबल आप घुमाएंगे पिलाई तो ऐसे ऐसे बजेगा, जैसे कि वो ढोल बजता है ना उस तरीके से ये बजेगा फ्लेक्सिबल, और दब भी जाता है। और ये बोर्ड हम घुमाएंगे तो कभी भी दबेगा नहीं और एक अच्छे तरीके से ये बैठ पाएगा। और इसमें राउंडिंग भी जरी निकाल के 1.5 इंच का गैप रख के और निकाल सकते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से ये राउंडिंग घूमेंगे। जैसे कि अभी हम बैठ सकते हैं, आप देख रहे हैं ये दिख रहा है ना आप इस तरीके से। और इधर जो हमने ये गला निकाला ये ट्रॉली का निकाला है गाइस, और अभी नीचे से हमने बैग बाकी अभी वो भी लगाएंगे गाइस। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आगे मैं बताते चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। गाइस ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, इसी वजह से ये हम कर रहे हैं ख़त्म। अभी बनाएंगे अगला पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंदर हम बताएंगे पूरा लैमिनेट के बारे में, प्रोसेस और ट्रॉली के बारे में और हेडबोर्ड के बारे में पार्ट 2 के अंदर बताएंगे गाइस। ये वीडियो बहुत बड़ा होने की वजह से हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं इस वीडियो में। गाइस आज में इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी साइज़ परफेक्ट या समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा गाइस। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मेरे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको जानकारी ज़रूर पहुँचेगी अपने यूट्यूब पर मुख्य पेस्ट पर। और गाइस मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।